अग्निपथ योजना को लेकर पूरे पंजाब में कांग्रेसियों की ओर से किया गया रोष प्रदर्शन। अमृतसर में कांग्रेस के प्रधान अश्विनी पप्पू की अध्यक्षता में पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, सांसद गुरजीत सिंह ओजला और कई कांग्रेसी वर्गों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लगाया धरना। सारे पंजाब की कांग्रेस वालों सारे डिस्ट्रिक्ट सारिया कंस्टिचुएंसियां च जेड़े धरने दिते जा रहे ने, जेड़ी अग्निपथ योजना स्कीम जेड़ी है सेंटर गवर्नमेंट ने सेंटर की सरकार ने ये लागू की है, इनू बंद करने वास्ते क्योंकि ये नौजवानों खिलवाड़ किया जा रहा है, यू बंद करने लई असी सरकार नू सेंटर की सरकार नू धरने दे के मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि सारे ही पंजाब के नौजवान सारे ही देश के नौजवान जिन्होंने बहुत बड़ा रोष है, ये जी योजना जिदे तहत फौज से जी भर्ती है वो चार साल लई जी योजना के तहत की जानी है। सो मैं समझना ये तो वड़ा कोई खिलवाड़ जड़ा नौजवानों लई हो नहीं सकता। सो सारा ही नौजवान दुखी है, सारा देश इस गल से दुखी है, सारिया पार्टियां का विरोध कर रही ने। सो कांग्रेस पार्टी जी है साड़ी कांग्रेस पार्टी का बड़ा जोरदार विरोध कर रही है। ये जरा धरना अज अमृतसर च साडे प्रधान जी अश्विनी पप्पू जी उन्हां दी प्रधानगी दिता जा रहा है, मैं समझना है मैसेज जड़ा ये हिंदुस्तान की बीजेपी की सरकार नू असी दे रहे हैं ता कि योजना जी अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लैके आई आ। केंद्र सरकार ने कोई भी जड़ी जायदाद असी कह सकते देश की सारी ठेके दे दी है, की एयरलाइना की रेलवे LIC कोई पब्लिक सैक्टर का यूनिट नहीं छड़िया। एक आर्मी सी जिहड़ा साडे देश का गौरव सी, आर्मी च बंदा गोली अगे तां ही खड़ सकदा जे उहदा कोई रिलेशन बनिया होवे, कोई लंबा समा नौकरी होवे, कोई उहनू अपना भविख सुरक्षित दिसे, बच्चों का फिक्र ना होवे। पर इन्हां आर्मी भी ऐतकी ठेके दे देती है चार साल दे, और चार साल बाद अनिश्चितता का माहौल होएगा उस नौजवान के घरदिआं ते भी, उस नौजवान के उत्ते भी 21 साल जां 23 साल तो बाद उहने रिटायर हो जाणा है। सो इस सरकार ने कोझा मजाक किया उन्होंने नौजवानों ने जो करोना तो पहले तैयारी करके बैठे थे, वो अपन लैटर डीक रहे थे कि सानू लैटर मिलने असं अपॉइंटमेंट मतलब जॉब करा। पर इस सरकार ने किसान मजदूर के बच्चों का बड़ा व्डा खिलवाड़ किया है, जोड़ा किसानी मोर्चा से वो हार तो बाद मोदी साहब ने मैं मनना है उन्होंने अपना बदला लिया आ, उन्होंने रुजगार खो के नौजवानों का जेडे जेडे नौजवान पिंडा तो खास करके बड़ी वड्डी तैयारी दे नाल देश की फौज दे विच जांदे सी, साडा माण सी, साडे लोग साडी सुरक्षा करदे, चाइना वर्गे और पाकिस्तान वर्गे देशां नाल लड़न वास्ते सानू बड़े दृढ़ता वाले फौज पैदा करनी बनती है। पर इन्होंने चार साल जिहड़ी ठेके ते फौज रख ली है वो बड़ी मंदभागी। अज अमृतसर विच साडे प्रधान जी की रहनुमाई दे हेठ विशेष तौर पर ऑफिस सोनी जी डिप्टी CM जिहड़े एक्स डिप्टी CM उह बैठे ने, और साडा समुच्चा वर्कर ये आवाज़ नू देश दे अमृतसर दे पंजाब दे हर कोने कोने तक पहुँचावे। लोगों के मुद्दे कांग्रेस पार्टी हमेशा चुकती है और हमेशा चुकती रहेगी और उन्होंने पहरा देगी। पहली बारी है कि फौज के मुखी दबाज बोल रहे हैं, जो अनाउंसमेंट करनी चाहते फौज के मुखी कर दे अनाउंसमेंट कर मोदी साहब, अज वो लोगों च तनाव पैदा होया, लोगों विरोध किया, अज फौज के मुखिया अगे भेजता मोदी साहब क्यों नहीं जवाब देते इस गल का आप दे आके अगे एयरलाइना रेलवे सबना घर भरने।
अगली बार धरना दिता वा तुम पता ही आ जो सरकार करा रही है मोदी साहब जो करा रहे ने ये प्राइवेट हथां च वेच रहे हैं ये फौज नूं प्राइवेट हथां च वेच रहे हैं गलत हो रहा वा बिल्कुल कोई नहीं जड़ी भी पॉलिसियां बनांदियां सरकारां बनांदियां वा सरकार ने बना के ते फौज नूं थोपी आ ये सीक्रेट कंपनियां होंदियां वा फौज दियां इन्हां दे गुमराह करदे पए आ बिल्कुल गलत हो रहा वा वेखो जिहड़ा बच्चा अज 27-17 साल च भर्ती होएगा 21 साल बाद वो बाहर निकल जाएगा वो की करेगा फिर नशा जाएगा दूजे पास गलत मलत काम करेगा उस बंदे ना कौन कोई काम करेगा काम करके बहा नहीं सकता वो नशा पासे जाएगा इस करके सारे पंजाब अच्छ हर जिले के सोनी साहब बैठे साढ़े एम पी साहब बैठे ने असी सारा अच्छे अमृतसर इकट्ठा होया वा साढ़े कौंसलर साहबान बैठे ने साढ़े नाल एक मे डिप्टी मेयर साहब ने सारे साढ़े कौंसलर ने सारा साढ़ा कांग्रेस का परिवार इकट्ठा होया वा अं तगड़े हो के सारे पंजाब च होया वा तो असं इन निखिधी करते हैं नाल। ठीक है, आगे वाला सवाल।